भैया एक बार इलेक्शन जीत गया है तो आप लोग का जो काम है वो काम है, आपके काम के लिए ही तो आए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो फिर उसके बाद एक बार आप उनको जिता के लाइए तो 5 साल काम तो सारा होगा। फैजान जी, आप अपने पिताजी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं और आप बॉम्बे में भी रहे हैं, आप इंडस्ट्री से भी जुड़े रहे हैं, तो ये कैसे ट्रांजिशन कैसे हुआ और कैसा आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहा है अभी? देखिए, मैं हमेशा से पापा के इलेक्शन में कैनवसिंग में हमेशा से साथ रहा हूँ, और जहाँ तक बॉम्बे की बात है, मैं टेलीविज़न में काम करता था, सीरियल्स करता था, और फिर एक वक्त आया जब मुझे लगा कि अब जाहिर सी बात है पापा इज़ गेटिंग ओल्ड, उनकी उम्र हो रही है, तो मैंने उनसे बात करी कि, और लोगों का इसरार ज़्यादा था कि भाई फरीद किदवाई की अब उम्र हो रही, बेटा तुम आओ देखो जनता की सेवा करो, तो मैंने सोचा कि भाई आना तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ से लोगों की डिमांड है, वो चाहते हैं कि यहाँ पर आके हमारे परिवार से आगे भी लोग आएँ खदमत करने के लिए। तो मैंने जब इस बात की ख्वाहिश जाहिर करी पापा से, तो उन्होंने कहा कि भाई एक बहुत अच्छी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उनका कि पॉलिटिक्स पे कभी फाइनेंशियली डिपेंडेंट मत होना, अपना कुछ और काम सेट कर लो ताकि ईमानदारी से राजनीति कर सको, क्योंकि अगर आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है और आप राजनीति को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो उसमें करप्शन तो आएगा ही आएगा। तो आप अगर फाइनेंशियली कहीं और से, मतलब आप अपने पैसे का, अपने दिन भर के खाने पीने का इंतज़ाम कहीं और से कर लें, तब आप निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा कर सकते हैं। तो मैंने अपना एक छोटा सा काम शुरू किया, उसके बाद अब उन्हीं के गाइडेंस में सीख रहा हूँ कि कैसे मिलना है, क्या करना है लोगों से, और जनता का बहुत प्यार मिलता है मुझे। ये एक चीज़ बहुत खूबसूरत है, मुझे अच्छी लगती है। सोचिए, यहाँ से 35 ईयर्स पहले पापा लड़े थे, आज भी मिलता हूँ तो लोग इतनी इज्जत से उनको याद करते हैं कि तुम्हारे बाप ने, सबसे बड़ी उनकी USP ये है कि वो एक ईमानदार आदमी है, उन्होंने ईमानदारी से काम किया, ना कभी किसी को सताया, ना कभी किसी को परेशान किया। तो आज जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे मिलती है वो इज्जत है, उसके लिए मैंने पापा का शुक्रिया अदा किया था कि आपकी वजह से मुझे कहीं जिल्लत नहीं उठानी पड़ती है। मैं सर उठा के जाता हूँ कि मैं एक ईमानदार आदमी का बेटा हूँ और वैसे ही मैं हमेशा चलना चाहता हूँ। फैजान भाई अखिलेश यादव जिंदाबाद, फैजान भाई अखिलेश यादव जिंदाबाद। रफी अहमद किदवाई का बहुत बड़ा नाम है, उसी खानदान से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो खानदान जो विरासत में आपको मिला है जिस, तो उसको आप किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? और देखिए, मैं जो रफी साहब हैं थे और जैसे फरीद किदवाई साहब करते हैं, हमारे खानदान के बहुत से लोग हैं जिन्होंने किया है। ईमानदारी एक सबसे बड़ी चीज़ है हमारे खानदान में कि आप कभी किसी का एक पैसा ना लीजिए और आपको फिर लोग जो हैं आपको उसी तरह से फिर इज्जत देते रहेंगे। तो मेरे बाकी पॉलिटिकल करियर किसी का क्या होगा, आप जिंदगी में क्या बनेंगे, वो तो किस्मत की बात है। पापा कभी इलेक्शन हारे भी हैं, कभी बने भी हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब वो सड़क पर निकलते हैं तो वो लोग जो उनसे मिलते हैं उनसे इज्जत से मिलते हैं। कोई नहीं कहता चोर जा रहे हैं, लोग कहते हैं कि ईमानदार आदमी जा रहा है, एक ईमानदार नेता जा रहा है। और ये एक बात पापा, क्योंकि एक ईमानदार पॉलिटिशियन होगा तो 10 तरह की उसको प्रॉब्लम्स होंगी भी कि भाई इलेक्शन में आप ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चला सकते हैं, आप ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं। आप जब भी उनका इलेक्शन उठा के देख लें, सबसे कम उनकी गाड़ियाँ चलती हैं, सबसे कम झंडे बिल्ले उनके आपको दिखेंगे, क्योंकि भाई ऐसा पैसा है नहीं उनके पास जो खर्चा कर सकें बियॉन्ड अ पॉइंट। तो एक चीज़ वो बहुत अच्छी हमेशा कहते थे कि भैया देखो ऐसा है कि मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन रात में मैं आराम की नींद सोता हूँ क्योंकि मैंने किसी का कुछ मारा नहीं है, तो मुझे मेरा कॉन्शियंस साफ है, मेरा दिल साफ है, तो मेरे अंदर किसी का बोझ नहीं है किसी तरह का कि किसी का पैसा या किसी को सताया, ऐसा कभी काम नहीं किया। जो उनके मुखालिफ भी हैं वो भी उनसे इज्जत से मिलते हैं, उनकी मुखालफत करेंगे लेकिन वो भी कहते हैं फरीद किदवाई एक ईमानदार आदमी। फादर की लेगेसी को क्या फिर आप आगे बढ़ाने की सोचेंगे नेक्स्ट चुनाव में, क्या आप भी मैदान में उतरेंगे? देखिए, वो तो जनता के ऊपर है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों से मिलता रहूँगा, इनकी खिदमत करता हूँ, करता रहूँगा, जो इनका काम है वो करूँगा। बाकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहेंगे, समाजवादी पार्टी चाहेगी, जो उनका निर्देश होगा, अगर वो कहेंगे इलेक्शन लड़ो तो इलेक्शन लड़ूंगा, अगर वो कहेंगे कोई और लड़ेगा उसका काम करो तो उसका काम करूंगा। मेरा जिंदगी का मोटिव ये है कि मैं समाजवादी पार्टी को मजबूत करूं और अपने स्तर पे जो मुझसे जुड़े लोग हैं, जैसे ये हमारे सब साथी हैं, अपने भाई हैं मेरे, अभी तो पापा का क्षेत्र कहूँगा, पापा के क्षेत्र के लोग हैं, तो अगर इनके लिए जिंदगी में मैं कुछ भी कर सका
इनकी जिंदगी में एक अच्छा डिफरेंस ला सका, इनकी जिंदगी को थोड़ा सा भी बेहतर बना सका तो बहुत है मेरे लिए। रामनगर की जनता का किस तरह का आपको रिस्पांस मिल रहा है? जी रिस्पांस आप बताइए, भाई पूछ रहे हैं किस तरह का रिस्पांस है, बताइए फरीद किदवाई को क्या है, कैसा है? जीतेंगे, जीतेंगे क्यों? क्योंकि ईमानदार है, ठीक है, इज्जत से है। तो ये देखिए आप जनता का देख लीजिए, ये जिस तरह से इनकी मोहब्बत है, और बहुत कम वक्त मिला हमें, कुर्सी से पहले लड़ने वाले थे एकदम से रामनगर आ गए, हालांकि उनका पुराना क्षेत्र है, लेकिन आने के बाद ऐसी एक लहर लोगों में आ गई मोहब्बत की, उनसे मिलने जिस तरह से उनसे मिलते हैं, जो उनसे मोहब्बत देते हैं उनको, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। अरे प्रधान जी, क्या आस्था है आप यहाँ आए हैं? देखिए हमारी आस्था महादेवा में है, कुंटेश्वर में है, पारिजात में है, कुटवा धाम में है, ये वो पावन भूमि है जिसने मेरे पिता को आशीर्वाद दिया था आज से 35 साल पहले, जब वो यहाँ से पहली बार लड़े थे, और उसी आशीर्वाद की वजह से आज वो 5 बार के विधायक हैं, मंत्री हैं, और सबसे पहली हमारी जो प्रार्थना होती, जो दुआ होती है कि ऊपर वाला हमारे देश को तरक्की दे, हमारे प्रदेश को तरक्की दे, हमारे क्षेत्र को तरक्की दे, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी जब तक पावर में थी तो महादेवा की पावन भूमि की बहुत सेवा हुई है, यहाँ रोडों का चौड़ीकरण हुआ है, ऑडिटोरियम बना है, गेस्ट हाउस बना है, सारे काम हुए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है जब से ये मौजूदा सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, तब से महादेवा को निग्लेक्ट किया गया है बहुत बुरी तरह से। यहाँ पे जो महोत्सव होता था महादेवा का वो बंद हो गया है पिछले 5 साल से। जब मेरे पिता, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब पहली बार विधायक बने थे तो पारिजात के इर्द गिर्द जितना भी सुंदरीकरण आप देख रहे हैं वो उस वक्त आज से 35 साल पहले उन्होंने कराया था, तो शायद उसी आस्था की वजह से, उसी अपने एक अच्छे काम की वजह से ऊपर वाले ने उनको ये दुआ दी कि वो उनका राजनीतिक जीवन इतना लंबा रहा, इतना साफ सुथरा राजनीतिक जीवन रहा। तो बस आज मैं क्या मांगने क्या आऊँगा ऊपर वाले से, बस उनका आशीर्वाद लेने आया था और शुक्रिया कहने आया था कि आपने अब तक जीवन में जो दिया है बहुत दिया है, और हमारे इस प्यारे से मुल्क को, हमारे इस देश को और तरक्की दें और खुशहाली दें, यही बात करने हैं। 2000 पेंशन मिलेगी उनको, उनको सैलरी मिलेगी, उस पे क्या आपका रहेगा? क्योंकि बिल्कुल जो हमने वादा किया वो निभाएंगे, जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो पुरोहित हैं, उनका हक है उनका कि उनको पेंशन मिले, उनको अपना जीवन इज्जत के साथ जीने के लिए जो एक आर्थिक जो मदद होनी चाहिए, जो एक सपोर्ट होना चाहिए वो दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें प्रो डेवलपमेंट काम है, आप देखिए ये इंसानियत के काम है जो असल में हम काम करते हैं। बाकी सरकार जो अभी मौजूदा सरकार है वो वादे ज़्यादा करती है, बातें ज़्यादा करती है, काम कुछ नहीं करती है, लेकिन हम लोग इसको देखेंगे कि हम लोग काम ज़्यादा करें, और अपनी बड़ाई करने के बजाय हम चाहेंगे जब हम काम करेंगे तो जनता खुद देख लेगी, जनता खुद बोलेगी अरे भाई इन्होंने काम किया, जैसे अखिलेश जी के लिए और फरीद महफूज किदवाई साहब के काम के लिए जनता खुद बोलती है कि हाँ भाई इन्होंने ये काम करके दिया है। आप कहीं भी चले जाइए पूरे रामनगर में, 35 साल पहले जो आदमी आया हो अगर लोग उसे आज भी याद रखते हैं तो कुछ ना कुछ तो उसने ऐसा किया होगा कि जनता आज भी उसको याद रखती है, आज भी उससे प्यार करती है, आज भी दिल से उससे जुड़ी है। थैंक यू जी, मैं आपका आशीर्वाद दे रहा हूं। आपके पिताजी तो बहुत पहले प्रोग्राम जी, वो आप ही के यहाँ से शुरू किए थे, और उनके जीवन का कुछ चक्र ऐसा है कि उनको भगवान ने वापस यहीं फिर से भेजा है कि आप लोगों के बीच आए, आपकी सेवा कर सकें, आपका आशीर्वाद। आज लगभग 25-30 साल पहले, 35 साल पहले फरीद जी के इस मंदिर में सहयोग किया जी, लोगों को याद है तो बड़े बाबा ने भरोसा, बस मुझे भरोसा है बाबा पे, तभी आया था मैं। बड़े बाबा पे भरोसा रखता हूँ भैया, और इस दरबार में बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं जी, जी। और ये सबकी मनोकामना है। ठीक है बाबा, बोलो सच्चे दरबार की जय।
ये 14 पे है, ये आपको 14 पे जाना है। में जा रहे हैं, किस तरह से आप देखेंगे? काफी सीनियर नेता हैं आप। एक अजीब इत्तेफाक है साहब कि मैं जब पहला चुनाव लड़ा था उस वक्त भी एक वेव थी मेरे फेवर में, और हाल ये था कि उस जमाने में बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस हुआ करती, और कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी होती तो वही सरकार बनाती थी। तो राजीव गांधी आए थे, पहली मीटिंग उन्होंने यहीं की थी, अयोध्या गए थे पहले, वो वहाँ से लौट के आए तो लखनऊ गए थे। तो वहाँ जो मजमा था, क्योंकि देखिए बेसिकली रामनगर के लोग उस जमाने में कांग्रेसी हुआ करते थे, ठाकुर थे, ब्राह्मण थे, मुसलमान थे, तो उस जमाने में सब कांग्रेसी हुआ करते थे। तो वहाँ उन लोगों ने उसकी तकरीर सुनने गए थे, लेकिन वहीं उन्होंने ये तय किया कि झंडा बिल्ला आई का और वोट फरीद भाई का, ये नारा वहाँ पे लग गया। और उसके बाद पूरे इलेक्शन भर सिर्फ ये था कि झंडा बिल्ला आई का और फरीद भाई का। तो जो वेव थी, मैं उस जमाने में, मुझे याद पड़ता है मैं 7,100 वोटों से जीता था, तो 7,000 उस जमाने बहुत बड़ी मार्जिन, क्योंकि 70 या 80 हज़ार वोट होता था उस जमाने में, वोट तकरीबन आज होता है 4 लाख, 4 लाख के करीब होता है, और उस जमाने में 70,000, तो 70,000 में 7,000 की लीड बहुत बड़ी होती। तो मुझे इसलिए याद है कि मैं दिल्ली जब गया तो चौधरी चरण सिंह के दफ्तर गया तो वो वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे पूछा कितने जीते, तो हमने कहा 7,000, कहने वाह 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 बहुत उम्दा, ऐसे पीठ पीठ ठोंके भाई। तो तब भी वेव थी, आज भी वेव है। नहीं, अब काफ़ी आपका राजनीतिक परिवार भी रहा है, रफ़ी अहमद साहब आपके चचा थे और काफ़ी तरक्की किए मसौली की बात करें तो और उसके बाद में पांच बार के विधायक भी हैं और एक बार आप अखिलेश जी ने आपको मंत्री भी बनाया, तो किस तरह से आप जाएंगे इलेक्शन, किस तरह से क्या रणनीति आपकी रहेगी? कोई रणनीति, सीधे जाता हूँ, जाके आदमी से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो मुझे 80% तो अपने ही फेवर में रिस्पॉन्स मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा मुस्लिम भी है वहाँ पे हैं रामनगर, मुसलमान सबसे ज़्यादा हैं, हाँ होंगे, लेकिन मेरे लिए तो मुसलमान और गैर मुस्लिम सब बराबर हैं, नहीं वोट के हिसाब से मुझे उतना ही वोट सबका मिल रहा है। रामनगर में धरती जो है महादेवा भी है वहाँ पे, कुंती का मंदिर भी है वहाँ पे, पारजात पेड़ भी वहाँ पे, एक आस्था का वहाँ पे है, तो किस तरह से आप जब इलेक्शन जीतेंगे इस बार, क्योंकि काफ़ी अलग इलेक्शन हो रहा है, तो क्या करेंगे हिंदू पारजात का जो पेड़ है? मुझे बड़ा ताज्जुब है कि जब मैं पहली बार MLA हुआ था तो मैंने स्पीच दी थी हाउस में, और वहाँ तब मैंने बताया था कि आप लोगों के शायद जनता को नहीं मालूम है कि वहाँ एक ऐसा पेड़ है जो अपनी तरह का वाहिद है, और उसके पीछे धार्मिक आस्था भी लगी हुई है कि कुंतेश्वर का मंदिर भी वहीं है, और कुंती जी ने या किसी ने वहाँ शाख फेंकी थी जो आके जमी हो रही है। तो उस जमाने में किसी को नहीं मालूम था शायद, तो मैंने उनसे कहा था कि भाई इतने लोग देखने आते हैं, कम से कम उनके बैठने की एक जगह होना चाहिए। तो मेरे ही कहने के बाद वहाँ पे बेंचेस वगैरह बनाई गई और ब्यूटीफाई किया गया। जिस तरह से 2017 में योगी जी आए थे, कहा था कि भाई ये शुगर मिल है उसको मैं चालू करूँगा, वो चालू आज तक नहीं हो पाई,
कुंतेश मंदिर लोकेश्वर मंदिर है उसी तरह बना हुआ, कुछ चेंजेस नहीं हो पाए। अगर आप जीतते हैं तो क्या इस पे गौर करेंगे कि रोजगार का भी मसला है, बहुत बड़ा मसला रामनगर में है? देखिए उनके जो अगर कोई वादे कर गए थे तो वो तो मतलब झूठे वादे ही करते ही हैं बीजेपी वाले, इसमें कोई जरा ही नहीं। आप जानते हैं योगी जी से लेके मोदी जी तक सब एक ही बात। मेरा इसमें यकीनन मैं महादेवा के मामले में बता दूं कि बहुत मेरी भी आस्था है और बड़े फख्र की बात है कि मैं उस जगह से एमएलए था और एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा हूं जहां महादेवा जैसा पूर्ण मंदिर है और भगवान शिव की धरती है वो। तो वहां पे जब मैं पहली बार हुआ था तो भी आपको बता दें कि वो ज़माने में मेरे खिलाफ एक प्रबंधा ये किया जा रहा था कि साहब जहाँ महादेवा का मंदिर है वहाँ का एमएलए एक मुसलमान हो जाएगा भला, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो खैर लेकिन लोगों ने माना नहीं और मुझे बना दिया। तो मैंने भी पहले ही जैसे ही आया मैं तो मैंने देखा कि महादेवा के मंदिर की हालत जो तो तालाब था वो बहुत बुरी हालत में था, सारी सीढ़ियाँ टूटी पड़ी थी और पानी बिल्कुल गंदा था, हरा हो गया था। मैंने डिवाटरिंग कराई, पानी निकलवाया और सीढ़ियाँ बनवाई, ये तो मैंने पहला काम किया था। अब उसके बाद क्या काम हुआ है मुझे मालूम नहीं क्योंकि घर मेरा जाना कम रहा, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि महादेवा में जब भी तशरीफ लाए हैं हमारे योगी जी, शायद दो बार आए हैं मेरा ख्याल, तो वहाँ के लोगों को बड़ी उम्मीद ये थी कि कोई अनाउंसमेंट करेंगे या तो एरिया के लिए या यहाँ महादेवा के लिए, लेकिन उन्होंने कोई कुछ भी नहीं किया। तराई बेल्ट है, गन्ना की सबसे ज़्यादा पैदावार वहीं होती है, रामनगर में होती है, लेकिन मिल के नाम पे बाराबंकी में वही हमारे रामनगर की मिल थी, शुगर मिल थी। अगर आपकी गवर्नमेंट आती है तो क्या मिल चालू हो पाए? बिल्कुल आपने सही कहा और मैं आपको एक बार बता दूं कि पूरी कोशिश करूंगा कि शुगर मिल शुरू हो जाए। ये बात मैं उस दिन अपने कल मैं अपने कंपेन में गया था जो जहाँ की आप बात कर रहे हैं वो तराई के एरिया, वहाँ सब गन्ना ही गन्ना था। वहाँ के लोगों ने तो हमको पहले ही मालूम हो गया था कि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गन्ना बेचारे बेचते हैं कहाँ, हैदरगढ़। तो वो उन लोगों से मैंने कहा, छुटते ही कहा कि आप परेशान ना हो, मैं जानता हूँ, मैं पूरी कोशिश ये करूँगा कि ये बाराबंकी का रामनगर का जो शुगर मिल है ये दोबारा शुरू। आपके बेटे टीवी सीरियल में काफ़ी काम किए और आज आपके बगल में बैठे आपके साथ में काम कर रहे हैं, ये विरासत आगे बढ़ेगी? क्योंकि कल जिस तरह से हम इनके साथ में थे और ये महादेवा में बाकायदा जाके दर्शन किए, तो क्या ये जो आपका काम है उस तरह से आपके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे? देखिए कंधे से कंधा मिला के भी ये चलेंगे इसलिए कि ये मेरे बेटे हैं। राजनीति में विरासत नहीं होती, ये नहीं है कि मैं एमएलए हूँ तो ये भी एमएलए हो जाए, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करके सामने करते हैं और लोगों का कॉन्फिडेंस लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जब भी चुनाव लड़ा हूं मेरे पोस्टर साहब देखिए कभी मैंने उसमें ये नहीं लिखा कि मैं रफ़ी अहमद कदवाई का भतीजा हूं, ये किसी पोस्टर में नहीं मिलेगा। तो मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि ये कहीं मेरा नाम इस्तेमाल करने की कोशिश करें, अपना अपनी अपने मेहनत करें, लोगों में कॉन्फिडेंस जगह बनाएं, लोगों के दिलों में जगह बनाएं, उसके बाद अल्लाह मालिक है, पब्लिक जो अगर चाहेगी तो उनको देगी। बहुत से ऐसे नेता होते हैं इनमें करप्शन के चार्जेस हो जाते हैं, लेकिन कल इनके पास में कई लोग आए और उन्होंने कहा कि भाई आपके फादर बहुत ईमानदार हैं, इनको फक्र हुआ, तो इस पे आपका क्या कहना है? इनसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि देखो इतने दिन हो गए हैं, एक जनरेशन गुजर गई महादेवा की, वो हमारी विधायकी की वहाँ रामनगढ़ से, लेकिन आज भी आदमी अगर मैं ईमानदार हूँ तो मेरी ईमानदारी की, चार लड़के खड़े हुए थे एक जगह पे, तीन बच्चे थे मतलब 12-13 साल के, वो आपस में बात कर रहे थे कि साहब अगर ये हुई नहीं है तो बेईमानी ना हुई है। अब ये बात वो लड़के भी नहीं जानते कि बेईमानी क्या होती है, माँ बाप का कहीं सुना होगा या और चर्चा सुनी होगी, तो वो उसको दोहरा रहे थे। इनको मुझे मतलब अगर कोई शौक हो इनको ईमानदारी सर चढ़ के बोलती है, मैंने ज़िंदगी में कभी बेईमानी नहीं की और खाली पैसे के नहीं उसूलों की बेईमानी भी नहीं की, ये आप समझ लें। शुक्रिया।